हेलो स्टूडेंट्स, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी बंद हैं। इसलिए पढ़ाने और पढ़ने का एकमात्र सोर्स ऑनलाइन ई लर्निंग है। इसलिए अपने अपने ट्रेड से संबंधित इंस्ट्रक्टर्स के संपर्क में रहिए और ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। आज हम जो हमने पिछला पढ़ा था सरफेस फिनिशिंग का चैप्टर, उसका रिवीजन करेंगे। पहले उसे संबंधित कुछ अति लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, उसके बाद इससे संबंधित मॉक टेस्ट करेंगे। कि जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, जितना उसे संबंधित कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, सरफेस फिनिशिंग क्या है? तो इसमें आंसर दिया गया है कि इससे मतलब मशीनिंग प्रोसेस द्वारा जो भी सतह हैं फिनिशिंग की जाती है, उसको सतह की फिनिशिंग कहते हैं। यानी रफनेस और स्मूथनेस के बीच जो संबंध है उसे रफनेस कहते हैं। तो जितना सरफेस फिनिश है वो फिनिशिंग है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें प्राइमरी टेक्सचर क्या है? जैसे कि मैंने आज ही ऑनलाइन पढ़ाया था कि प्राइमरी टेक्सचर टूल की एरर के कारण बनती है जॉब की सतह पर, और ये बहुत ही इसकी विड्थ बहुत कम होती है, इसको प्राइमरी टेक्सचर भी कहते हैं। तो इसमें लिखा गया आंसर कि यह कटिंग टूल का जो एज होता है उसके कारण बनी रफनेस है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्राइमरी टेक्सचर टूल की एज के कारण जो रफनेस बनती है, दैट इज प्राइमरी टेक्सचर। तीसरा क्वेश्चन दिया गया इसमें, सेकेंडरी टेक्सचर क्या है? तो सेकेंडरी टेक्सचर मशीन या प्रोसेस की एरर के कारण जो रफनेस क्रिएट होती है उसको सेकेंडरी टेक्सचर कहते हैं, और इसकी विड्थ अधिक होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी एक अंतराल बाद होती रहती है। इस तरह से इसे देख सकते हैं। ये हमारा सेकेंडरी टेक्सचर है, और जो प्राइमरी टेक्सचर कहा मैंने, तो उसकी जिग-जैग फॉर्म में फिर एक बड़ा हो सकता है, और इस तरह से ये चलता रहती है। ये हमारा प्राइमरी टेक्सचर है, और जो वेव रूप में जा रही है ये सेकेंडरी टेक्सचर है। तो सेकेंडरी टेक्सचर समझ सकते हैं कि यदि मशीन में कोई अलाइनमेंट गलत है या प्रोसेस के दौरान उसका के दौरान यदि मशीन सही ढंग से इंस्टॉल नहीं है तो उसमें वाइब्रेशन हो सकता है। तो उस वाइब्रेशन के कारण हमारी पूरी प्रोसेस में वो गड़बड़ी चलती रहेगी और इसकी विड्थ भी अधिक होगी। ठीक है, तीन क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन है, ले क्या है? तो ले भी मैंने आज ही पढ़ाया था कि जिस डायरेक्शन में टूल फिनिशिंग करता है और सबसे क्लियर पैटर्न दिखाई देता है जिस डायरेक्शन में, उसको ले कहते हैं। और ले भी कई प्रकार के हमारे पैरेलल, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस, रेडियल, रेडियस, सर्कुलर, मल्टी डायरेक्शन अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफेक्टिव सतह क्या है? तो मशीनिंग प्रोसेस द्वारा जो भी सरफेस हमको मिलती है वो हमारा इफेक्टिव सरफेस है। इतना क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, किस विधि से सरफेस फिनिश का अधिक प्रामाणिक संख्यात्मक मान ज्ञात होता है? सरफेस फिनिश को नापने का जो मेथड है उनमें कौन सा मेथड के द्वारा हमें एक्यूरेट उसका मैग्नीट्यूड प्राप्त होगा?
तो यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट से अधिक प्रमाणिक मान ज्ञात होगा रेदर देन मैनुअली मेजरमेंट। क्वेश्चन 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है माइक्रो फिनिशिंग ऑपरेशन क्या है। माइक्रो का मतलब बहुत ही सूक्ष्म फिनिशिंग। तो जैसे इसमें उस आंसर दिया गया है कि ग्राइंडिंग से प्राप्त हुआ कुछ विशेष उपयोग में ठीक से कार्य नहीं कर पास रही सतहों का विशेष प्रशिक्षित किया जाता है। तो बहुत ही ये भी फिनिशिंग सतहें हमारी ग्राइंडिंग से भी प्राप्त होती है माइक्रो फिनिशिंग सरफेस कहलाती है। लैपिंग द्वारा क्या संभव है इसको भी हमने पढ़ा इस चैप्टर में। लैपिंग तो लैपिंग भी हमें पता है कि ये भी एक सरफेस फिनिशिंग करने का प्रोसेस है जिसमें कि एक लैप टूल होता है और लैपिंग कंपाउंड को हम लैप टूल पर चार्ज करते हैं उसके द्वारा फ्लैट सरफेस हो या सिलेंड्रिकल सरफेस हो उसको तो ये भी मेटल को रिमूव करने का प्रोसेस है सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। तो इस तरह से इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया गया है इसमें कि होनिंग किस किस्म की प्रक्रिया है। तो होनिंग भी एक फिनिशिंग प्रोसेस है और ग्राइंडिंग जैसे या लैपिंग के नहीं कह सकते ग्राइंडिंग जैसी प्रोसेस है। इसके द्वारा भी सरफेस को फिनिश किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं हमारे पास। हमारे पास बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन का बना होता है स्टोन होता है हमारा होनिंग स्टोन उस पर स्टिक होती हैं एब्रेसिव मटेरियल लगी हुई और उसको किसी मशीन पे जैसे ड्रिलिंग मशीन हो गया या अन्य कोई मशीन उस पर इस अटैचमेंट को होल्ड करके फिर सिलेंड्रिकल सरफेसेस या इंजन सिलेंडर होल्स में इससे फिनिशिंग की जाती है। इसका अलाउंस 0.01 mm है। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। सुपर फिनिशिंग किसके द्वारा की जाती है। ये भी होनिंग के समान ही एक प्रोसेस है जिसमें बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन प्रयोग किया जाता है। इसमें भी हमें ये फिनिशिंग प्राप्त होती है। सुपर फिनिशिंग के द्वारा हमें 0.005 mm से लेकर 0.2 mm तक की महीन परत को हटा सकते हैं। तो ये भी एज ए होनिंग प्रोसेस के समान ही है। पॉलिशिंग व्हील की व्यवस्था किस प्रकार किसी सहायता की जाती है। तो इसका जो अरेंजमेंट है उसमें लेदर है कैनवास बेल्ट ऊन कागज से बनाकर व्हील के ऊपर हम एब्रेसिव को लगाते हैं पॉलिशिंग में। और ये जो एब्रेसिव होता है ये हमारे पास रेजिन हो सकता है या कोई ग्लू हो सकता है। फिर इसको उस व्हील पे लगा के उसके बाद इसके सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसको पॉलिशिंग किया जाता है। सरफेस तैयारी से क्या आशय है। तो जिस भी सरफेस को हम बना रहे हैं उससे संबंधित जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं इरेगुलरिटीज़ हैं उसको हटाने के प्रोसेस ही हमारा सरफेस प्रिपरेशन है। सरफेस प्रिपरेशन ये भी हमने पढ़ाया था जैसे पिकलिंग प्रोसेस है। तो पिकलिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे स्टील सीट है या स्टील की रॉड है तो उसमें जब उसका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है तो उसमें स्केल रह जाती है ग्रीस हो सकता है ऑयल हो सकता है। तो इस पे अन्य कोटिंग करने से पहले इस सरफेस को हम प्रिपेयर करते हैं इससे जो भी अशुद्धियाँ उसको हटाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है सरफेस प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें पिकलिंग क्या है। तो पिकलिंग जैसे मैं बात कर रहा था कि सरफेस पे यदि कोई अशुद्धि है तो उसको खुरच के निकालना है। इसलिए हम जिस भी हमारे पास मेटल है उसको एसिड या बेस में डाल के उससे वो जो अशुद्धि होती है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके स्लैग के रूप में बाहर निकल जाती है
और उसके बाद फिर हम अपना मेटल को न्यूट्रल वाटर से या न्यूट्रल लाइम में डुबो के न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके बाद आगे को फर्दर का उस पर कोटिंग करते हैं। तो ये पिकलिंग प्रोसेस होगा, सरफेस से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने की प्रोसेस। रेत, क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है, रेत अथवा स्टील की गोलियों की बोछा सतह पर क्यों करते हैं? तो ब्लास्टिंग की जाती है, इससे भी हम क्या करते हैं, सतह पे जो स्किल्स होती है या अशुद्धि होती है उसको हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, प्रोटेक्टिव कोटिंग की कौन सी विधियाँ हैं? प्रोटेक्टिव कोटिंग, तो कोटिंग से मतलब है जो भी सरफेस को प्रोटेक्ट करेगा उसमें जो भी कोटिंग है, हमारे पास परमानेंट है और टेम्प्रेरी कोटिंग है। तो परमानेंट में हमारी पेंटिंग हो, गैल्वनाइजिंग, क्रोमाइजिंग, इस तरह से जो भी मेटलिक कोटिंग होती है वो हमारी परमानेंट आती है। और जो टेम्प्रेरी है उसमें हमारी पेंटिंग है, ऑयलिंग है, इस तरह से इस सरफेस प्रोटेक्शन की विधियाँ हैं। तो ये इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जिसे हमने जाना, और आगे इससे संबंधित मॉक टेस्ट करेंगे।